नमस्कार, मैं कुंदन साहू। आज की वीडियो में हम जानेंगे माउथ कैंसर यानी मुंह के कैंसर के बारे में। मुंह का कैंसर किन लोगों को ज़्यादा होने का खतरा रहता है एवं इसके कारण, लक्षण और उपचार के बारे में। तो मुंह का जो कैंसर है वो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को ज़्यादा होने का खतरा रहता है, वो भी जो अधिक उम्र के पुरुष हैं, 30 साल से ऊपर के जो पुरुष हैं उनको यह अधिक होने का खतरा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह महिलाओं को नहीं होगा या कम उम्र वाले को नहीं होगा, उनको भी कैंसर हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो ज़्यादा उम्र वाले पुरुषों को होने का खतरा ज़्यादा रहता है। आइए जानते हैं इसके कारण के बारे में। माउथ कैंसर का जो कारण है वो जो उसका मुख्य कारण है वो है तंबाकू का सेवन, चाहे वह किसी भी रूप में हो, चाहे वह सिगरेट के रूप में हो, गुटखा के रूप में हो, गुड़ाखू के रूप में हो, पान के रूप में हो, या डायरेक्ट तंबाकू का सेवन। और दूसरा कारण है दांत का सही शेप में ना होना, दांत का उबड़ खाबड़ होना या दांत नुकीला होना, जिसकी वजह से मुंह में बार बार छाले होता है, तो उस कारण से भी कैंसर होने का खतरा रहता है। तीसरा कारण है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। यह वायरस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के वजह से होता है, जो यौन असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, खास करके ओरल सेक्स वगैरह करते हैं, तो उस कारण से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, जिसके कारण से माउथ कैंसर हो सकता है। अब आइए जानते हैं इसके लक्षण के बारे में। माउथ कैंसर का जो लक्षण है उसमें मुंह में बार बार छाले होना, छाला ठीक ना होना, कोई ऐसा छाला जो लंबे समय तक 4 महीने 6 महीने साल भर हो गया वह ठीक ना हो रहा हो, मुंह के अंदर किसी प्रकार का लंप्स यानी कि मांस का उभार टाइप का होना, मुंह के अंदर लाल सफेद धब्बों का होना, भोजन निकलने में कठिनाई होना, आवाज़ में बदलाव होना, मुंह के आसपास की जो लिम्फ ग्रंथियां हैं उसमें उभार होना, मसूड़ों का ढीला होना, मुंह से बदबू आना, मुंह के अंदर किसी प्रकार का घाव होना जो लंबे समय से ठीक ना हो रहा हो, मुंह का कम खुलना, 3 उंगली पूरी तरीके से अंदर न जाना, ये सब माउथ कैंसर के लक्षण हैं। ऐसा लक्षण यदि किसी को हो तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें, उसकी जांच करवाएं। इसकी जांच में जो कैंसर कंफर्म करने के लिए बायोप्सी किया जाता है, जिसमें कहीं पर अगर कोई घाव या छाला हो तो वहाँ पर की जो टिश्यू जो ऊतक का छोटा सा टुकड़ा निकाल कर उसका बायोप्सी किया जाता है, उसका जांच किया जाता है, जिससे कैंसर कंफर्म हो जाता है। यदि लिम्फ नोड वगैरह बढ़ा हो तो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी तकनीक के जरिए नीडल के द्वारा वहाँ अंदर के जो लिक्विड को खींच कर उसका जाँच किया जाता है। अब यदि किसी को कैंसर हो तो घबराने की बात नहीं है, इसका इलाज संभव है। फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में यह ठीक हो जाता है। इसके इलाज में सबसे पहले अगर कहीं पर घाव है, छाला है, कहीं पर मांस उभरा हुआ है, तो उसको उस जगह के टिश्यू को, जो कैंसरस टिश्यू है, सेल है, उसको पूरी तरह से काट कर अलग किया जाता है, जिसे ओंको सर्जरी कहते हैं। उसके बाद रेडियोथेरेपी के जरिए वहाँ पर सिकाई करके वहाँ पर की जो कैंसर सेल है, जो कैंसर कोशिका है, उसको नष्ट किया जाता है। उसके बाद कुछ महीनों तक कीमोथेरेपी ड्रग दिया जाता है, जिसमें दवाइयों के माध्यम से कैंसर सेल को नष्ट किया जाता है। कैंसर से बचने के लिए अपने जो हैबिट है, बैड हैबिट है, उनको सुधारें, तंबाकू का सेवन कम करें,
दांत पर अगर कहीं पर उघार हो, नुकीला हो, आड़ा तिरछा हो तो उसका इलाज कराएं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यदि हो तो उसका इलाज कराएं। और मैंने जो लक्षण बताया वो लक्षण अगर किसी को दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर से इसका जांच कराएं, क्योंकि शुरुआती दौर में यह ठीक हो सकता है। यदि यह तीसरे या चौथे चरण में अगर पहुंच जाए तो फिर इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।